स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो आज हम मतलब जैसे एज सच कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, बट हम एक्चुअली एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो हम और आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट्स हैं जो इस टॉपिक से सीधा का सीधा कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमको ना जैसे आजकल बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं जर्मनी कैसे आ सकता हूँ। और मतलब नहीं, ये कहना आसान है कि आ जाओ जर्मनी से पढ़ाई करने, बट हम फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है तो हम मतलब पढ़ाई करने आ सकते हैं क्या? बेसिकली मतलब यही कि क्या अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो वो जर्मनी पढ़ने आ सकता है क्या, और सेकेंडली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। जैसा अभी शुरू में शिल्पा ने बताया आप लोगों को कि ये एक मेजरली कंसर्न रहता है कि भाई मिडिल क्लास होते हुए भी या फिर यू नो ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं है तो वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे मेरा थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने इंडिया में जैसे 2-3 साल काम किया, उसके बाद में मैंने डिसाइड किया। तो अगेन डिपेंड करता है आपकी उस टाइम पे कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर आपकी फैमिली के पास में सेविंग है या फिर आप लोन ले सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट जर्मनी के बिल्कुल भी नीचे जो कि बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में यूजुअली चाहिए होती है। अगर आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है देन इट्स वेल एंड गुड, बट भाई वही है कि 100 लोग अप्लाई करेंगे 10-5 को ही मिलेगी। तो यहाँ पे जर्मनी का थोड़ा सा यू नो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फी नहीं है और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो कि बहुत ही कम है। तो अब वापस से उसी पॉइंट पे आता हूँ अफोर्डेबिलिटी की, राइट। तो उसमें यही एक पॉइंट रहता है सबके दिमाग में कि अब्रॉड मतलब बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, हाँ, बहुत खर्चा, कि खर्चे के बिना कुछ सर्वाइवल होगा ही नहीं, लाखों रुपए लग जाने हैं। लेकिन तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक अमाउंट कितना चाहिए। तो जैसे अगर बैचलर्स की और मास्टर्स की बात करें तो दोनों में ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होता है, एमबीए में भी चाहिए होता है, बट एमबीए में फीस होती है तो उसके अलग से बात करेंगे। तो बैचलर्स और मास्टर में समवेयर अराउंड 10,000 यूरोज है ना, तो मतलब अभी के रेट के अकॉर्डिंग 9 लाख रुपए मान लो आप। उसके अलावा आपको 2-3 लाख रुपए मतलब और चाहिए होंगे महीने का खर्चा निकालने के लिए। और यहाँ पे जैसे बैचलर्स में एक चीज़ है कि यहाँ पे जैसे अगर आपने सिर्फ 12th के बाद में आप आना चाहते हो तो आपको स्टूडेंट कोलिगन करके एक चीज़ होती है, मतलब उसमें आपको 1 साल की एजुकेशन और करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 13 ईयर की एजुकेशन मानी जाती है। तो उस टाइम पे आप ना वर्क करने के लिए अलाउड नहीं हो, तो वहाँ पे मतलब ये है कि हाँ आप पार्ट टाइम जॉब करके, मतलब बैचलर्स में एक थोड़ी सी ये कंस्ट्रेंट है कि स्टूडेंट कोलिग के टाइम का आपको यू नो अपना बजट चाहिए। हाँ, बट उसमें फिर ये कर सकते हो आप, जैसे आपने 12th कर ली उसके बाद में आप 1 साल का इंडिया में पढ़ के आ जाओ, इंडिया में पढ़ लो उसके बाद में और जर्मन सीख लो, उसके बाद में आप सीधा यहाँ पे आके बैचलर्स करना शुरू कर दो और पार्ट टाइम करने लग जाओ। तो उसमें भी फिर आपका वही जैसे जो मास्टर्स पे अप्लाई है वही सेम चीज हो जाती है। जैसे और बैचलर्स में अगेन आपको 3-4 साल यहाँ पे मिलेंगे तो उसमें आप इतना यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब से भी अर्निंग कर जाओगे कि जो आपने स्टूडेंट कुलीग में इनके साथ उस प्रोसेस के थ्रू आयो तो वो भी आपका खर्चा निकल जाएगा। और मास्टर्स के लिए आते हो तो लेकिन उसमें फिर ना इनिशियली फंड चाहिए। तो यहाँ इनिशियली फंड चाहिए कि जैसे अगर कोई 10 लाख रुपए 16 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए अगर चाहिए तो वो भी कोई कहाँ से लाए, वो तो कहां से उसकी लाए बात करें। जैसे आपने जब आप जॉब करते थे तो आपने कुछ सालों की आपकी सेविंग थोड़ा बहुत अमाउंट, हाँ, 2-3 साल में मैंने थोड़ा बहुत सेव किया, थोड़ा फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली से लिया, बट जैसे आपने क्या किया वो बताओ आप फिर। तो मेरा यही फंडा था कि मैंने जैसे बैंगलोर में अपना जॉब स्टार्ट किया था तो 3 साल मैंने वहाँ पे नौकरी करी। तो जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट का उस टाइम में अराउंड 8-9,000 यूरोस चाहिए था, तो हाफ मैंने सेव कर लिया, हाफ फैमिली ने सपोर्ट किया, 8 लाख उस टाइम पे भी। हाँ, तो उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपीज के आसपास चाहिए थे। तो यही चीज आज के दिन में 9 या 10 लाख रुपए मानो आप एक लमसम अमाउंट समझो कि 10 लाख रुपए आपको चाहिए। हाँ। तो उस सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 10 लाख रुपए लगा के जा रहा हूँ, आपको ये चीज सोचनी है कि वो 10 लाख रुपए आप कितनी जल्दी वापस से निकाल लोगे यहाँ पे आके। तो उसी वे से आप अरेंजमेंट आगे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और जैसे एक तो ना ब्लॉक्ड अकाउंट की बहुत हवा है, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि एजेंट कह रहा है कि ना 20 लाख रुपए लगेंगे, इतने लगेंगे। ब्लॉक्ड अकाउंट ऐसा नहीं है कि आप वो पैसा किसी को दे रहे हो, वो है आपके खुद के खर्चे के लिए। तो मान लो आप जैसे आपको 861 यूरो मिलता है हर महीने का अपना खर्चा निकालने के लिए, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो 861 पूरा जाएगा ना, आपको 400-500 में अगर आप मैनेज कर सकते हो तो उतने में भी हो सकता है मैनेज। हाँ, एब्सोल्युटली, वो तो सिटी पे डिपेंड करेगा कि खर्चा कितना हो रहा है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट भी जब आप अगर पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करते और अगर आप कम खर्चे में भी अगर निकालो तो ब्लॉक्ड अकाउंट का भी पैसा आप कुछ ना कुछ बचा लोगे। तो अब सचिन ये बताओ, जैसे आप कोई स्टूडेंट इंडिया में बैठा है, वो जानना चाहता है कि चलो ठीक है मुझे जर्मनी से पढ़ाई करनी है तो मेरा खर्चा कितना होगा महीने का, और मुझे कितना जैसे अगर मान लो 2 साल की पढ़ाई है 3 साल की पढ़ाई है तो मैं कितने पैसे मेरे लग जाएंगे। तो मतलब अगर मैं मंथली खर्चे की बात करूं तो यहाँ पे अपन ने कई बार जैसे बताया कि 500 से लेके 650 यूरो में आप ऑलमोस्ट हर सिटी में मैनेज कर सकते हो, इससे कम भी हो सकता है
थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी एक दो जगह पे, बाकी 500 600 यूरो की रेंज में पर मंथ आपका खर्चा निपट जाएगा। तो साल के आपके लेके चलो 6000 यूरो में आप अपना पूरा का पूरा एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। इसमें आपकी यू नो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस भी आ चुकी है, सो बेसिकली आपका और कोई खर्चा नहीं रहा। तो मतलब आप बता रहे हो कि साल का वही है 5 लाख से लेके 7 लाख रुपए इंडिया के अगर देखे जाए तो बंदा मैनेज कर सकता है ऑलमोस्ट। यस ठीक है, तो ये तो हो गया जैसे खर्चा कितना होगा। उसके बाद में अब जैसे अगर मान लो उस खर्चे को निकालना कैसे, खर्चा कैसे निकाल सकते हो आप, वो बताओ। तो खर्चे का शिल्पा जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते ही फर्स्ट मंथ में अपना नौकरी स्टार्ट करते हैं, तो वो सबसे मेन फंड है। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था जॉब देखना, तो मेरे को 2.5 मंथ्स में मिल गई। सो उतने में आपका यू नो यू स्टार्ट योर जॉब, 500 यूरो आपको मिलना चालू हो जाते हैं, 800 यूरो मिलना चालू हो जाते हैं। एंड तुम ही बताओ यहाँ पे 800 यूरो में बंदा सिंगल बंदा आराम से सर्वाइव कर सकता है, बहुत आराम से। और रियलिस्टिक आप बताओ, जैसे पार्ट टाइम जॉब्स में है ना मिनिमम वेज जो है वो फॉलो होती है क्या? और जैसे मान लो किसी को अगर कंपनी में जॉब मिल गई, चलो उसको तो आप जो बोल रहे हो महीने के 800 यूरो 1000 यूरो मिल जाएंगे, बट चलो मान लो किसी बंदे को कंपनी में कोई में जॉब नहीं मिल पाई और उनको जैसे और जॉब्स जैसे आपने प्राइमार्क में किया था और वैसे अगर कोई करे तो उसमें वो कितना कमा लेंगे? मतलब वहाँ पे भी मिनिमम वेज तो फॉलो होगी, मिनिमम वेज लीगली यहाँ पे सब जगह फॉलो होनी है, तो ऑलमोस्ट आपको 9 पॉइंट वो जो भी यूरो वाली है वो मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ 10 यूरो तो सब जगह नॉर्मल हो चुका है अभी यहाँ पे, तो 10 यूरो मिल गया, 80 आवर्स का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो 800 यूरो तो आपके किधर भी नहीं गए, उसमें आपका 80 यूरो टैक्स लग गया, 720 अगेन खर्चा कितना है 500, बच गए आपके 250 यूरो आपको ऑलमोस्ट पॉकेट में बच गए। और अगर आप कोई महीने में ज्यादा काम करते हो या फिर आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस टाइम में ज्यादा काम कर लो, उस टाइम में आप 1500 यूरो कमाओगे, तो वो फिर पैसा आपका क्या करोगे, वो पैसा आप कंसिडर करो कि आपने सेव कर लिया और जो ब्लॉक्ड अकाउंट में लाए उसमें माइनस ऑफ करके आप इमेजिन कर सकते हो उसको बेसिकली। ओके, तो आप कह रहे हो कि जैसे अगर किसी ने मान लो अगर 112th के बाद में जैसे उन्होंने आना है और वो एक साल की पढ़ाई करके आ गए कॉलेज से मान लो इंडिया से ही, तो वो चाहे बैचलर्स करने आ रहे हो आप या फिर मास्टर्स करने आ रहे हो आप मतलब यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अगर आपको आते ही मिल जाती है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है लेकिन कि मिल ही जाएगी? मतलब अगर जैसे आप एलिजिबल हो आपको आपके वाले वीजा में आप अलाउड हो काम करने के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको अपनी फील्ड में नहीं मिला उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पे, लेकिन आपको और जॉब आते ही मिल जाएगा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो क्लोथिंग स्टोर हो, चाहे वो फूड डिलीवरी हो। और यहाँ पे वही अगेन है कि यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट करता नहीं है, वेल पेड है और डिफरेंशिएट करता नहीं, सारे काम अच्छे हैं। मैंने खुद क्लोथिंग स्टोर में काम किया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने फूड डिलीवरी में किया, सारे के सारे जॉब अच्छे हैं, नीटली नाइसली पेड है, कंपनीज है, पूरा प्रॉपर सेटअप है। तो चलो ये तो हुई बात मास्टर्स या बैचलर्स की, या फिर जैसे अगर आप MBA करना चाहते हो उसमें एक तो ऑप्शन है कि देखो आप MIM कर सकते हो जो कि होता है मास्टर्स इन मैनेजमेंट, उसमें आपको MBA की डिग्री नहीं मिलेगी, मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, बट जन स्टडी जो है वो सेम ही है, जिसमें ऑलमोस्ट ले देंगे सब्जेक्ट्स वैसे से ही रहते हैं। तो अगर जैसे मान लो अगर बजट का एकदम ही प्रॉब्लम है तो आप MIM कर सकते हो, और जैसे अगर आपको MBA ही करना है तो वो भी कोई फिर आके जैसे जर्मनी से अगर करना चाहे तो क्यों करे वो? मतलब जर्मनी में अगेन MBA काफ़ी अफोर्डेबल है और प्लस पैकेजेस जो एवरेज जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हमने एक पहले वीडियो बनाया उसमें आप देख सकते हो कि 10,000 to 15,000 euros में भी यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें MBA हो रही है और काफ़ी रिकग्नाइज भी हैं और बहुत अच्छे वहाँ पे यू नो स्टूडेंट्स निकलते हैं वहाँ से भी। सो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि वही आप 10 लाख रुपये दे के इंडिया में भी करोगे या कोई और कंट्री में भी जाओगे, बट आपकी एवरेज सैलरी देखनी पड़ेगी आपको कहाँ कैसी मिल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो जर्मनी में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है कम्पेयर टू वट यू आर इन्वेस्टिंग। क्योंकि इंडिया में जैसे एक तो ये भी है ना कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप जैसे टॉप कॉलेज में नहीं जाते हो आप, टॉप कॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीस काफी ज्यादा लगती है, जैसे बहुत ज्यादा हो चुकी है फीस आज के दिन, बट स्टिल चलो वहाँ पे आपका पैकेज लग जाता है तो वो निकल जाता है, बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल कॉलेज से अगर मास्टर्स भी करो MBA करो तो आई थिंक 5 लाख से कम में तो कहीं नहीं होता होगा जहाँ तक मुझे पता है, मतलब हो जाते हैं बट अगेन डिपेंड्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी ज्यादा होती है, फिर वहाँ पे वही है ना कि आपको पैकेज क्या मिलेगा, अनलेस आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो आपको वो वाला अमाउंट नहीं मिल पाएगा। बात यहाँ पे चल रही है कि एवरेज जो चीजें हैं वो कैसी हैं, अब इंडिया में एवरेज पैकेज क्या है वो आपको देखना पड़ेगा और कंपेयर टू यहाँ पे एवरेज पैकेज क्या है, एक्सेप्शंस दोनों जगह पे बहुत अच्छे हैं, जर्मनी में भी हैं और इंडिया में भी हैं। तो मतलब इस वीडियो से हम आपको यही आपके जो इतने सारे कमेंट्स आते हैं उसका हम यही आंसर देना चाह रहे हैं कि आप लोग जैसे लिख देते हो कि मिडिल क्लास है हम तो आ ही नहीं सकते हैं, चलो माना हम जैसे हर फैमिलीज की ना मतलब प्रॉब्लम होती है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली आप किस सिचुएशन में, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते, बट हम जो हमारा परसेप्शन है उसके थ्रू हम यही समझा, जैसे हम लोग भी कोई बहुत ज्यादा वैसे फैमिली से नहीं, मैं तो एकदम प्रॉपर अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आ रहे हैं, राइट? सो मतलब अगेन मैंने जॉब स्टार्ट किया था
सबके साथ में आए थे कि जाते ही यार पार्ट टाइम कर लूं तो। मैंने फर्स्ट ईयर में इसीलिए नहीं करा क्योंकि मुझे भी लगता था कि बाहर जाना मतलब 40-50 लाख रुपए चाहिए, जो कि अगेन आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में चाहिए, वहां पे अगेन आपके पैकेज जैसे यूएस में आप चाहो तो कर सकते हो, यूएस में पैकेजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक 1 CR तक आपके पैकेजेस भी लग जाते हैं, पर वहां पे यही कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो बहुत ही बढ़िया वर्थ आपकी है, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो भी अच्छा है, बट अगेन आपको एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसी की घबराहट हर इंडियन स्टूडेंट को होती है कि क्या भाई मेरी फैमिली 50 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए अफोर्ड कर सकती है क्या, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हो। और जर्मनी में यही है कि हाँ जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट का जो 8-9 लाख रुपए के आसपास जो अमाउंट है वो तो आपका लगेगा ही, वो आपको बस शुरू में जैसे कहीं से मैनेज करना है, अगर आप जैसे फैमिली सपोर्ट हो सकता है या फिर अगर लोन हो सकता है वो आपको करने के बाद में आप में अगर डेडिकेशन है, जैसे आपको बहुत सारे लोग मतलब ये भी बोलेंगे कि ना पार्ट टाइम करना आसान नहीं होता है, एजुकेशन फ्री नहीं है, हाँ तो जैसे जो ट्यूशन फी है वो नहीं लगती है, फिर सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम है, फिर एक्सपेंसेस है वो चलो है, बट देन स्टिल जैसे पार्ट टाइम जॉब करके आप मैनेज कर सकते हो, और मतलब ये भी पॉसिबल है कि अगर आप में जैसे आप डेडिकेटेडली करते हो काम तो आप जो ब्लॉक्ड अकाउंट से पैसे लेके आए हो वो आप पूरे के पूरे सेव कर सकते हो, या फिर मान लो उसमें से 20% 30% आपका स्पेंड हो गया, खर्च हो गया, मतलब मान लो 3-4 लाख रुपए आपके खर्च हो गए, उसके बाद में भी आप पार्ट टाइम जॉब करके वो पूरा पैसा बचा सकते हो, अपना लोन रीपे कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को वापस दे सकते हो, एंड वो मास्टर्स या फिर जो MBA या फिर बैचलर्स आपकी पूरी होगी उसके बाद में जो आपका पैकेज लगेगा वो काफी ज्यादा होगा इंडिया के कंपैरिजन में, यहां पे और उसमें भी जैसे ऑफकोर्स खर्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, टैक्सेस हैं वो सब है, लेकिन स्टिल आप एक डिसेंट यू नो सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। एवरेज हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन की बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी अगर आप एक्सेप्शन के थॉट प्रोसेस सोचोगे तो इंडिया में भी एक्सेप्शन है, इंडिया में आप मल्टी यू नो लाखों के पैकेज ले सकते हो, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन बहुत है, फिर वो भी करोड़ के ऊपर ही आते हैं, सो उस हिसाब से आपको यू नो कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हाँ मतलब आई होप हमारा मैसेज या फिर हम कन्वे कर पाए सही तरीके से, लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हो, इंडिया में आपको लग रहा है कि आपके नहीं बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप एस्पायर करते हो या जो आप चाहते हो, तो उस सिचुएशन में जर्मनी से पढ़ाई करना वर्थ इट है। आपको शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा बट वो पैसा आप निकाल सकते हो, अपने लिए एक बेटर लाइफ बिल्ड कर सकते हो। और हम यहाँ पे देखो ये भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यहीं आ जाओ तो ही बेटर होगा और यहीं आके बस जाओ, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि जर्मनी आना है, आपको यूएस लग रहा है, यूके लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हर जगह पे यू नो स्टडीज के ऑप्शंस हैं, तो आप अपने लिए बेस्ट देखो। हमारा तो ये पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि आपको बाहर पढ़ने का मन है तो इस थॉट प्रोसेस से रुको मत कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको यू नो ट्यूशन फी जो फ्री वाली जो कंट्रीज हैं जैसे यूरोप में बहुत सारी हैं, हाँ। वहाँ पे आप देखो आपको यूएस में मिल जाएगा, यूके में मिल जाएगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, हाँ। तो आप कोशिश करो कि यू नो कुछ ना कुछ बेहतर कहीं ना कहीं से पढ़ने की, अगर आपको इंडिया में अगेन बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है ऑप्शन, हाँ। वो कर लो, तो रुको मत जस्ट बिकॉज कि थोड़ा बहुत यू नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, और डरो मत कि यार कि कहाँ से पैसे लाएंगे, हाँ। कैसे करेंगे, थोड़ा ऑफ कोर्स शुरू में मैनेज करना पड़ता है, बट देन ऑफ कोर्स या तो फिर आप बहुत ज्यादा पढ़ के और मार्क्स लेके आप मतलब IIM और जो भी IIT वगैरह है वो आप निकाल लो, या फिर उसके अलावा मतलब मैं इस चीज पे नहीं कमेंट कर सकती कि यू नो पैसे अरेंज करके और आ जाओ इधर, बट अगर आपके लिए जैसे 10-15 लाख अगर इतना बड़ा वो नहीं है इशू तो आई थिंक इट्स वर्थ इट यहाँ से आ पाना। और मतलब यही है जैसे आप लोग पूछते हैं कि मिडिल क्लास आ सकता है क्या, तो आई थिंक आ सकता है, शुरू में आपको 10 लाख रुपए लेके आने, उसके बाद में वो भी आप सेव कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि वो 10 लाख यहाँ पे आके खर्च हो जाएंगे, पूरे खर्च हो जाएंगे, वो आप वापस दे सकते हो अगर आप किसी रिलेटिव फैमिली लोन जिस भी मीडियम से आप लेके आते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ वो पूरा का पूरा आपका कवर अप हो जाएगा इनिशियली कुछ ही सालों के अंदर। तो गाइज हम हमारे वीडियो के थ्रू यही कोशिश कर रहे हैं कि हम मोटिवेट कर पाए और हमसे जितना भी हेल्प हो पाए वो भी हम कर पाए, जैसे हम लाइव वगैरह जाते हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स पे आपके रिप्लाई करते हैं, आपसे पर्सनली जैसे लाइव पे बात करते हैं, तो हमसे जितना हो पाएगा हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे मतलब आपको गाइड कर पाने की जितना भी हमको पता है। ऑफ कोर्स हम एनसाइक्लोपीडिया और वो सब नहीं है कि हमको सब कुछ पता हो, बट अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो, फ्लाइंग अब्रॉड हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हमने यहाँ पे लगा दिया, तो वहाँ आप हमसे कनेक्ट करो, वहाँ पे हम लोग जब भी लाइव जाते हैं ऑलमोस्ट लाइक 5-6 लोगों को हम लोग ले लेते हैं लाइव के अंदर।
तो यही था इस वीडियो का मोटिव। आई होप आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा हो। आपके फिर भी अभी और कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, और आपके जान पहचान में अगर कोई भी है जो मतलब जिसको आपको लगता है कि आपको ये वीडियो भेज देना चाहिए, जिसको हेल्प रहेगी, तो आप प्लीज़ उसको ये वीडियो भेज दीजिए। और इस वीडियो में ऑफकोर्स हम जैसे यूजुअली पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में आते हैं, वैसा नहीं था, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते थे, लाइक बिना कुछ सोचे समझे, जितना हमको पता है जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे, क्योंकि आप इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे थे ना, तो अब एक एक कॉमेंट को रिप्लाई नहीं दे सकते, बट इस वीडियो के थ्रू हम यही कॉमेंट मतलब उस जो आपके इतने सारे सवाल हैं उसका हमारा बस यही जवाब है कि मिडिल क्लास भी जर्मनी से आके पढ़ाई कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये वन सिंगल शॉट में पूरी लंबी परफॉर्मेंस दे दी गई है। मैंने आई थिंक पहली बार बोला है पूरा का पूरा एक ही शॉट में, क्योंकि एकदम दिल से निकल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि अरे वो पॉइंट गलत बोल दिया, क्या जो बात है सो है, जो बात सो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और जरूर शेयर करना जैसे अभी शिल्पा ने मेंशन किया। एंड हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।